एमपीपीएससी के लिए अपनी जो फॉरेस्ट्री की क्लासेस हैं उन्हें आज से स्टार्ट कर लेते हैं। एक टाइप से श्री गणेश हो जाएगा इनका और एक प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक वे से आज से अपलोड होने शुरू हो जाएंगी। तो अपना जो आज का जो मुद्दा रहेगा जिसे डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना जनरल फॉरेस्ट्री। और यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो न केवल एमपी में जबकि जो सिमिलर एग्जाम हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जैसे कि अपने छत्तीसगढ़ वालों का है, महाराष्ट्र है, या गुजरात पीएससी वालों का जो प्रीलिम है, हिमाचल आरएफ वालों का जो प्री आने वाला है इनका, तो ये लगभग सभी एग्जामों में या फिर आईसीआर वगैरह के जो एकेडमिक एग्जाम हैं सब में लगभग सेम ही है, ये क्वेश्चन आते ही है, चाहे आपके सिलेबस में ये ऐड हो या ना हो। अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो अगर कोई 100 क्वेश्चन का पेपर है तो यूजुअली सामान्य तौर पे 10 से 15 क्वेश्चन अकेले जनरल फॉरेस्ट्री से आ जाते हैं। तो अगर अपन एमपी को टारगेट अगर 25 क्वेश्चन लेके चलें तो 25 का मतलब है 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप ये मान रहे हो कि 40 क्वेश्चन आएंगे फॉरेस्ट्री से तो आप यहाँ पर 4 क्वेश्चन मान के चलें। तो टोटल कंटेंट आपका होता है लगभग 15-16 पेज का, और अगर 16 पेज में से आपको 3 क्वेश्चन तक आ रहे हैं या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफ़ी अच्छा है इसका, तो इसे तो पूरा पढ़ना ही होता है। और ये कोई एक्चुअल में अलग से ना होकर के आपकी पूरी फॉरेस्ट्री का एक समरी है, एक निचोड़ है जिसे यहाँ देखना होता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे मुद्दों को डिस्कस किया जाता है जो सिलेबस में कहीं और फिट नहीं होते हैं, तो उन्हें यहाँ पर देख लेते हैं अपन। तो आगे चलते हैं इसमें। अब एमपीपीएससी का अगर सिलेबस देखें तो पूरे सिलेबस को 4 यूनिट में दिया गया है यहाँ पर अपने। अब यूनिट में क्या इशू है कि जो जैसे पीएससी में जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि ऑपरेटर है, जो टाइपिंग का काम कर रहे हैं, वो बहुत स्किल नहीं होती है उन्हें स्पेशली सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर मैथ वाले को आप बायोलॉजी के मुद्दे दे दोगे या फिर स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक पकड़ा दोगे तो उसे समझ में नहीं आता कि भाई क्या किया जाए, वैसे ही कुछ रहता है यहाँ पर। लगभग हर पीएससी में ये इशू रहते हैं। तो कभी एक सब्जेक्ट का पार्ट जो है वो किसी और में पढ़ा होगा, मीन्स इक्वल टाइप के जो टॉपिक हैं जिन्हें एक साथ पढ़ा जा सकता है वो स्कैटर्ड रहेंगे। तो यहाँ आपकी जो 4 यूनिट है उसमें सिलेबस को थोड़ा रीअरेंज किया गया है जिससे अपने थोड़े चीज़ें आसान हो जाएं और सिमिलर टाइप की जो चीज़ें उन्हें एक साथ पढ़ लें। तो जैसे यूनिट 1 है उसमें एक तो अपना जनरल फॉरेस्ट्री में डिवाइड कर दिया है, दूसरा सिल्वीकल्चर है, तीसरा ट्री स्पीसीज है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आज रहेगी, वर्किंग पीछे ऑनगोइंग है। सेकेंड जो अपनी यूनिट है उसमें है फॉरेस्ट मैंसुरेशन, मेडिसिनल प्लांट, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन से जनरली क्वेश्चन रहते ही हैं लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिलेबस को भी ठीक से एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैंसुरेशन के साथ थोड़ा इशू है। मैंसुरेशन इन्होंने छोटा सा लिख दिया और ख़त्म कर दिया, और मेडिसिनल प्लांट पे तो बस इन्होंने टॉपिक का नाम लिखा और इतश्री कर लिया, हालांकि अपन प्रॉपर में मैंने पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट है इनकी अपनी पॉलिसी है, एग्रोफॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री है, इसी से रिलेटेड वाटर साइड मैनेजमेंट है उसे भी यहीं देख लेंगे। JFM है। फोर्थ में थोड़ा बहुत मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन से रिलेटेड पार्ट है, इकोलॉजी, और वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी का केवल एक ही पार्ट है, सेंसस इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ी कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि अपने नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या, बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है, उन सारी चीज़ों को भी यहाँ डिस्कस कर लिया जाएगा, जिससे क्योंकि क्वेश्चन आने के चांस रहते ही हैं यहाँ पर, दिया हो या ना दिया हो। तो ये अपना एक सिलेबस का पैटर्न है जो एमपी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब आज का अपना जो सब टॉपिक है वो है अपनी यूनिट 1 का जो जनरल फॉरेस्ट्री है वो, जिसमें अपने में एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया गया है, यानी कि जब से एंशिएंट इंडिया से लेके 2018 तक हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा इन्होंने पूछा कि फॉरेस्ट कवर के बारे में कि भाई एमपी में कितना है, इंडिया में कितना है, एमपी में कितना है, फिर TOF कितना है, ग्रोविंग स्टॉक के बारे में, इसका स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें आती हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आती है उसमें। तो यहाँ हम लोग रिपोर्ट को भी देखेंगे और रिपोर्ट में जो एक बेसिक जो क्लासिफिकेशन का छोटा सा रिव्यू आता है उसे भी देखेंगे। फॉरेस्ट टाइप्स को यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सिल्वीकल्चर में देखेंगे उसे। यहाँ पर्पज केवल यही है कि यहाँ कुछ डाटा होता है कि कौन सा फॉरेस्ट टाइप इंडिया में कितना है, मॉडरेटली डेंस ज़्यादा है या ड्राई डेसीडुअस ज़्यादा है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कौन सा ज़्यादा है, वो सारी चीज़ों को यहाँ देखना होता है। तो एक रिव्यू चले, इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इंडिया में जो फॉरेस्ट्री का जो एकेडमिक या एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे चलता है, मिनिस्ट्री की स्ट्रक्चर और उसकी सबॉर्डिनेट बॉडीज हैं, अपने जो एक्ट एंड पॉलिसीज हैं जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है उनको एक समरी कर लेंगे ईयर वाइज, जिससे कौन सा एक्ट कब आया, तो मेजोरिटी क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। डिटेल में यहाँ नहीं देखना है, डिटेल के लिए आपकी शायद यूनिट 3 में दिया गया है तो वहाँ पर देखेंगे। वाइल्ड लाइफ की जो प्रोजेक्ट हैं, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, लायन प्रोजेक्ट कब आया, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग जो प्रोजेक्ट थे 75 के वो कब आए हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं जो
सेशन आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेज, और फिर एमपी से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका स्टेट ट्रीज क्या है, स्टेट की स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब बना, और आपके स्टेट ट्री बर्ड्स, ये फलाने ठिकाने जो दुनिया भर की चीज़ें चलती हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ये अपना आज का मुद्दा रहेगा, जिसमें सबसे पहले शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, और हिस्ट्री की शुरुआत होगी अपनी एंशियंट इंडिया से, प्राचीन भारत से। कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रहे प्रॉपर वे में। अब एंशियंट इंडिया में देखो, अपन को अगर थोड़ा बहुत अगर डिटेल में देखें तो एक तो अपनी स्टार्ट करते हैं स्टोन एज, स्टोन एज के बाद आती है अपनी चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक या क्या बोलते हैं उसे, कॉपर एज। कॉपर एज को ताम्रपाषाण काल, तो पत्थर वालों के बाद ताम्रपाषाण आता है। ताम्रपाषाण को हड़प्पा के पहले भी रखते हैं और हड़प्पा के बाद में भी रखते हैं, उसके दोनों के कैरेक्टर हैं उसमें, फिर बीच में अपनी आती है हड़प्पा। तो ये जो वाला पीरियड है, इससे तो कोई ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं कि फॉरेस्ट के बारे में क्या है, तो वो छोड़ ही दिया जाता है। इसके बाद अपना आता है वैदिक एज। वैदिक एज में एक विष्णु पुराण है, पुराण है उसमें 13 टाइप के वनों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यहाँ पर अपने लिए 13 याद रखना है, बिल्कुल मायने नहीं रखते हैं, किसी एग्जाम में अभी तक पूछ नहीं गए हैं, आईसीआर वाले याद रख लें, अपने काम की नहीं है। बस यहाँ पर 3 जो फॉरेस्ट हैं जो अपने एमपी से रिलेटेड हैं, जैसे कि इसमें एक है वामन वन जो ग्वालियर के आसपास है, दशरथ वन जो भोपाल के आसपास है, आप ऐसे समझ लो कि भोपाल है वो वैसे ही दशरथ का है, जस्ट एग्जांपल के लिए, तो दशरथ वन भोपाल के आसपास है। और बघेलखंड बुंदेलखंड में वैसे ही ड्राउट सूखा पड़ रखा है, तो वहाँ कटीला हो रखे हैं, कांटे हो रखे हैं, कांटे वाले पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो वह है करूस वन, कड़वाहट करूस जो भी है। तो इस टाइप से 3 टाइप के वन है 13 में, वामन वन, दशरथ वन और करूस वन, जो अपनी एमपी से संबंधित हैं। याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी को इससे भी ज़्यादा डिटेल में 13 के 13 ही याद करना है, कसम खाई है उसने, तो जो PDF अपलोड की गई है उसमें ये 13 के नाम दिए हैं, वो भाई वहाँ से रट्टा मार लें। वैदिक एज के बाद फिर अपने 16 महाजनपद का टाइम आ जाता है, उसमें भी ऐसा कुछ है नहीं। 16 महाजनपद के टाइम पर फिर बुद्धिस्ट में जर्निज्म वाले अपने चैप्टर आते हैं एंशिएंट इंडिया में, वो भी ऐसे कोई स्पेसिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में कुछ है नहीं। जो कुछ स्टोरी एक शुरू होती है वो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, जब मगध या मौर्य एम्पायर मगध में आता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले ऐसे रूलर होते हैं जिन्होंने, या पहले ऐसे राजा होते हैं जिन्होंने वनों के महत्व को समझा और उन्हें इम्पोर्टेंस दिया। मैं जस्ट समझाने के लिए आपको थोड़ा बाहर जाऊंगा। अगर आप लोगों ने, जो हम लोग जनरली प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया के लिए एक बुक पढ़ते हैं RS शर्मा की, इंडियाज एंशिएंट पास्ट, उसमें उन्होंने कुछ ये लिखा हुआ है कि जैसे 16 महाजनपद थे, तो ऐसा क्या फैक्टर थे, ऐसे क्या कारण थे कि ये 16 महाजनपद में से धीरे धीरे करके सभी एक दूसरे के अंडर आते गए और लास्ट में 2 महाजनपद बचते हैं, एक अपना अवंती या उज्जैनी, जो अपना उज्जैन है वो बचता है, और दूसरा मगध, और फिर फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जो अपना शिशुनाग, पुष्य कुछ शिशुनाग के टाइम था शायद, तो उनके अंडर फिर अवंती भी मौर्य या मगध के अंडर आ जाती है। तो ऐसे क्या फैक्टर थे, ऐसे क्या कारण थे कि जो मगध है वो इतना पावरफुल था, या पूरे देश पर फिर मगध ने अपना रूल कर लिया जबकि अदर नहीं कर पाए, तो उसके पीछे क्या रीजन थे। तो उन रीजनों में उसने फॉरेस्ट वाले रीजन भी दिए, वहाँ एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड रीजन है, लेकिन वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संसाधन है उससे भी संबंधित चीज़ें दी गई हैं। उसमें बताया गया है कि मगध ही ऐसा एम्पायर था जिसके पास प्रचुर मात्रा में थोक के भाव में, बैकग्राउंड में जो अपना झारखंड प्लेट्यू वाला जो रीजन है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, तो वहाँ पर जो आयरन की जो रिसोर्सेज थे, लोहे के जो अयस्क थे, रिसोर्सेज थे, वो वहाँ पर प्रचुर मात्रा में थे इनके पास, उन्हें इन्होंने एक्सप्लॉइट किया और बेटर क्वालिटी के हथियार बनाए। मौर्य या मगध पहला ऐसा एम्पायर था जिसने एलिफेंट्स को, हाथियों को अपनी आर्मी में रिक्रूट किया। तो आप जन वनों के बारे में आप समझ गए होंगे कि टिम्बर को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट किया, आयरन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, और एलिफेंट को फर्स्ट टाइम रिक्रूट किया। जब उनके में एलिफेंट रिक्रूट हुए तो फिर सामने वाली जो फौज है वो पहली बार जब हाथी देखते थे तो वैसे ही घबरा जाते थे, भाई पता नहीं आज क्या होगा। और बाद में इनकी जो उससे जो बाहर से आए थे सेल्युकस निकेटर के, जो सेल्युकस निकेटर से इनका शायद वार हुआ था, तो उस टाइम पे उनके वार जो हुआ था, फिर उनकी लड़की थी कार्नेलिया, उससे इनकी शादी हुई, इन्होंने 300 हाथी डोनेट किया। ये स्टोरी का पर्पज केवल यही है कि उस टाइम पे एलिफेंट या फॉरेस्ट का इनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था,
तो चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा पहला रूलर था जिसने फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस को समझा, उनके महत्व को समझा, और फॉरेस्ट को रूल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इन्होंने एक अधिकारी को नियुक्त किया जिसे बोला जाता था कुप्या अध्यक्ष। उस टाइम पे जितने भी अध्यक्ष हैं तो कुप्या अध्यक्ष। यहाँ पर जो कूप टर्म है, कूप या कुप्या, ये एक जमीन की मेजरमेंट की एक यूनिट थी, यानी कि जमीन के माप करने की यूनिट थी, इकाई थी कि इतना बड़ा, जैसे अपन बोलते हैं आजकल बीघा है या हेक्टर, एकड़, जो मेजरमेंट यूनिट है, वैसे यहाँ पर कूप एक मेजरमेंट यूनिट थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कूप क्या है, तो ये पूछा जा चुका है कुछ जो टिपिकल एग्जाम है उनमें। कुप्याध्यक्ष इन्होंने अपॉइंट किया, कुप्याध्यक्ष एक आदमी तो इतने बड़े रूल को, मतलब फॉरेस्ट को रूल नहीं कर सकता, तो वो वन पाल की हेल्प से ऐसा करता। उस टाइम पे जो चाणक्य थे, जो इनके गुरु थे, उन्होंने भी अपनी अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि एक राजा को उसके पास जो भी वन है, जो फॉरेस्ट एरिया है, उसे चार हिस्सों में बांट देना चाहिए। एक हिस्सा जो राजा अपने खुद के स्वयं के यूज के लिए रख सकता है, दूसरा हिस्सा राज्य के लिए, तीसरा हिस्सा ब्रह्मदेव, जो ब्राह्मण थे, जैन, बुद्ध, जो बहुत सारे थे, इन्हें डोनेट के फॉर्म में, यानी कि रिलीजियस पर्पज के लिए, और चौथा आम पब्लिक के यूज के लिए। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर राजा और जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनमें क्या फ़र्क है। जैसे सपोज जो कि मैं 1 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को या मोदी जी को डोनेट करता हूँ, तो यानी कि जस्ट एग्जांपल के लिए कि जो फंड है, एक वो फंड जिस पे जो रूलर है वो अपने पर्सनल यूज में कर सकता है, मोदी जी कुछ फंड है जिसे अपने पर्सनल यूज में कर सकते हैं, उस पे एडमिनिस्ट्रेशन वाली बातें अलग हो जाती है, वो पर्सनल फंड को यूज कर सकते हैं, उस पे गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है, आप उनसे पूछ नहीं सकते हैं कि आपने ये पैसा कहाँ खर्च किया। और दूसरा है जो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए है, क्योंकि ये जो पैसा है वो लोगों के टैक्स से आता है, तो इस पे एक टाइप से रूल रेगुलेशन चलते हैं। तो यहाँ पर जो राज्य और राजा दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसको थोड़ा सेग्रीगेट करें। तो वैसे उस टाइम पे चार टाइप के, चार हिस्सों में वनों को बांटा जाता था, और ये लगभग गुप्ताओं के बाद तक लगभग सेम रूल ये चलता रहा, लोग इसी को फॉलो करते रहे। बाद में अशोक भी आए, तो अशोक ने भी जो रास्ते बनवाए थे नए नए, उनके आसपास प्लांटेशन वर्क किया, ये सारी चीजें यहाँ चलती रहती है। अपने मतलब का है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि वो महत्वपूर्ण किंग या वो रूलर जिसने सबसे पहले वनों के महत्व को समझा और उनकी सुरक्षा से संबंधित एक अधिकारी को नियुक्त किया, उसका नाम है। तो फिर आपके ऐसी पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य कहीं दिया होगा, वो अपना राइट आंसर रहता है। मौर्य के बाद आते हैं अपने गुप्ता, चंद्रगुप्त, ये गुप्ता पीरियड। अब अपने लिए गुप्ताओं का केवल इतना ही मतलब है कि ये पूरे इसमें जो गुप्ता फर्स्ट थे, फिर समुद्रगुप्त है, फिर विक्रमादित्य सेकंड आ जाते हैं। ये इनका सेंस यही है क्योंकि ये एमपी में ही रूल किया है, अवंती से रूल किया है इन्होंने, तो उनकी हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे पढ़ोगे। फॉरेस्ट से संबंधित यही है कि इन्होंने ब्रह्मदेव के रूप में उस टाइम पे एमपी में बहुत बड़ी बड़ी जो जमीनें थी वो दान की, जिससे एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ अपनी एमपी में। बस वही सेंस है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ, यानी कि फॉरेस्ट डिफॉरेस्ट हुआ। ज़्यादा डिटेल में यहाँ हिस्ट्री में नहीं जाएंगे हम लोग। फिर आते हैं इस्लामिक रूलर। अब यहाँ पर फिर हुआ रिलीजियस परजिक्यूशन, मेनली नॉर्थ इंडिया में हुआ। तो यहाँ पर जो रूलर थे, पब्लिक थे, कन्वर्जन वगैरह के इशू आए, तो फिर लोग भागने लगे जंगल की तरफ। तो उस टाइम पे अगर जंगल में भागोगे तो फिर सीधे से इशू है कि डिफॉरेस्टेशन होगा। तो वो सारी चीज़ें चलती रहीं, लेकिन कोई फिक्स मेजरमेंट डाटा तो ऐसा है नहीं, तो जो डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत हो। इसके बाद अपनी आ जाती है कॉलोनियल पावर, यानी कि जो ब्रिटिश रूल है वही मेनली आते हैं। तो अब हम लोग उनको एक एक करके पढ़ेंगे। अपनी शुरुआत होती है कैप्टन वाटसन से। या टीपू सुल्तान को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आगे मुद्दा आएगा, तब इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर जो उस टाइम पे जो कॉलोनियल जो पावर्स थी वो 3 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तो अपना साउथ में था मद्रास वाला रीजन, इधर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और ये यहाँ कोलकाता। बाद में इनका यूनिफिकेशन भी कर दिया गया था, बॉम्बे और मद्रास को कलकत्ता के अंदर डाल दिया गया है, लेकिन इनके अपने थोड़े बहुत खुद के भी रूल चलते थे। तो ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखो, ये वो पीरियड है जहाँ इनकी जो पावर है वो चलती थी ट्रेड से। इनके राइवलरी भी थे, जैसे फ्रांस था, जर्मनी थे, वो भी आने लगे थे। तो अब आपको करना क्या है कि ट्रेड में सुप्रीम वही एम्पायर होगा जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा सिप होंगे, और सिप बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। यूरोप में तो लकड़ी ख़त्म हो चुकी थी, तो ये लोग यहाँ की जो लकड़ी थी उस पर कर लिया था जंगलों पर कब्जा। यहाँ के जो लोकल थे उनको निकाल दिया गया और उस पर पूरा अपना
कब्जा कर रखा था। अब लोकल जो थे, जिसको जंगल को वो ये समझते थे कि हमारे देवी देवता हैं इसमें, ये हमारे पेड़ हैं, ये हमारे हैं, सब कुछ अपने हैं, तो उनकी सुरक्षा करते थे। उन्हीं पेड़ों को अब ये काट रहे हैं, उन्हीं से वहाँ मक्खी की तरह फेंक दिया बाहर। तो अब ये लोग क्या करते थे कि देखते, अच्छा ये पेड़ बड़ा है, इन्हें तो पता है कि कौन कौन से पेड़ अच्छे हैं, तो ये जाकर के उनको आग लगा के निकल लेते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ पर जो कीमती टिम्बर था वो होने लगा बर्बाद। तो मद्रास गवर्नमेंट का खिसक गई, तो इन्होंने क्या किया, कैप्टन वाटसन को अपॉइंट किया और बोला गया कि भाई तुम इनकी जंगलों की, इन लोकल जो है रूलर्स है या जो आम पब्लिक है, इनसे हमारे इन पेड़ों की रक्षा कर। तो कैप्टन वाटसन को फर्स्ट टाइम एज ए कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अपॉइंट किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरेस्ट का फर्स्ट कंजर्वेटर या फॉरेस्ट का फर्स्ट जो रक्षा के लिए जो अपॉइंट किया गया वो कौन है, तो कैप्टन वाटसन है। किसने किया, मद्रास गवर्नमेंट ने किया था। कब किया था, 1806 में। बाद में आता है कोनोली। कोनोली ये जो अपना मालाबार रीजन है, इसकी स्टोरी है 1842 में। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जो वैल्यूएबल टिम्बर था धीरे धीरे इंडिया में भी खत्म हो रहा था, और यूरोप में तो बहुत पहले ही ओक का लगभग खत्म ही हो चुका था। ब्रिटिश के पास कोई रिसोर्सेस थे नहीं, जर्मनी वाले तो अपना प्लांटेशन कर रहे थे लेकिन इनके पास कोई बहुत ज्यादा चीजें थी नहीं, ब्रिटेन में जगह इतनी थी नहीं। तो कोनोली जो मालाबार का कलेक्टर था, उसने क्या किया, नीलाम्बर एक एरिया है, अगर आपने नीलगिरी वाला रीजन है, नीलगिरी से नीलाम्बर ऐसे जोड़ लो, ये नीलगिरी की पहाड़ियां है और ये मालाबार का रीजन है, केरला वाला रीजन है, ये नीलगिरी के फुटहिल रीजन में पड़ता है, एक छोटा सा एरिया। तो ये नीलाम्बर में टीक की प्लांटेशन की। टीक ही क्यों किया, उसके पीछे आगे फिर अपन आगे पढ़ेंगे, जब टीक की वर्मा से रिलेटेड जो चीजें हैं उन्हें पढ़ेंगे। क्योंकि टीक ही ऐसा था जो सबसे वैल्यूएबल था उस टाइम पर, खासकर शिप बिल्डिंग के लिए सबसे अच्छा टिम्बर माना जाता है टीक। तो नीलाम्बर में ये टीक की प्लांटेशन की गई उसे। तो एक तो ये कई बार पूछा जा चुका है कि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट प्लांटेशन कौन सी है, तो टीक है नीलाम्बर की, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा नीलाम्बर टीक प्लांटेशन, ये केरला दे रखा है उन्होंने। कब की गई, 1842 में, तो डेट याद रखना है। इसे हाल में GI टैग भी मिल चुका है इसे, तो ये भी देख लो, इसका कोई मतलब नहीं है अपने लिए, लेकिन ये नीलाम्बर टीक प्लांटेशन आपको याद रखना है, कॉलोनी की थी, मालाबार रीजन में की थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कैंपबेल। उसके अगले साल जो कैंपबेल है, इन्होंने मद्रास रीजन में, देखो इनकी जो, जैसे जहाँ भी रूल किए इन्होंने, तो वहाँ पर एक फोर्टिफिकेशन किया, किलेबंदी की गई थी। तो यहाँ पर वेलिंगटन जो मद्रास में जो इन्होंने किला बनाया था, उसी के आसपास इन्होंने यूकेलिप्टस की प्लांटेशन की, यूकेलिप्टस पिनाटा की, किसने, कैंपबेल ने। कब की, 1843 में। और जो प्लांटेशन की, इसी को इंडिया में प्लांटेशन फॉरेस्ट्री की शुरुआत के तौर पे देखा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आए हैं कि इंडिया में प्लांटेशन फॉरेस्ट्री कब से स्टार्ट होती है, तो वो अपने 1843 से स्टार्ट माना जाता है। ऐसा भी होता है कई बार ऑप्शन में आपको 1843 ना दिया गया हो, वो 1842 मिल जाए या 1844, एक साल आगे या पीछे, ऐसे भी ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आपको 40, जो भी आपको नज़दीक का ऑप्शन मिल जाए 43 के, वो लगा देना है। अब यहाँ पर बात करते हैं टीपू सुल्तान वाली। ये देखो, इसने किया 1843 में, टीपू सुल्तान करके चले गए थे 1790 में। क्वेश्चन इस टाइप का आया है कि इंडिया में सबसे पहले यूकेलिप्टस को किसने इंट्रोड्यूस किया। आप लोगों को ज्यादातर को नहीं मालूम होगा, यूकेलिप्टस जो है वो अपने यहाँ का देश का नहीं है, हम लोग इसे लोकल में सफेदा बोलते हैं या नीलगिरी बोलते हैं, गूगल सर्च कर लेना तो पेड़ एक बार जो दिख जाएगा, आप जानते हैं मेजोरिटी हम में से सभी ने देखा होगा। ये अपने देश का पौधा नहीं है, ये प्लांट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने उसे वहां से लेके आए हैं, ये एग्जॉटिक है, बाहर का पेड़ है जिसे हम लोग लेके आए हैं और अपनी इंडिया में प्लांटेशन कर दी। धीरे धीरे वो चीजें आई अपने सब्जेक्ट में आगे कि हम क्यों लेके आए, क्या पर्पज थे उसके पीछे और क्या रिजल्ट आया। तो ये जब यूकेलिप्टस लेके आए, तो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि लेके कौन आया और यहाँ पर प्लांटेशन किया, वो है टीपू सुल्तान। कैंपबेल भी यूकेलिप्टस लेके आया लेकिन ये बहुत बाद में लेके आया। अब जब कई बार क्वेश्चन मिल जाता है कि इंडिया में यूकेलिप्टस को किसने इंट्रोड्यूस किया, तो जो ऑब्जेक्टिव में चार ऑप्शन मिलेंगे उसमें वो सभी के सभी तीन हैं, तीन जो हैं वो ब्रिटिश जैसे नाम लिखे होंगे या दो ब्रिटिश के नाम लिखे होंगे। कई बार ऐसे भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं कि उसमें तीन इंडियन नाम होंगे, एक ब्रिटिश का होगा, हमें तो पता होता है कि ब्रिटिश है, यही सफ़ेद चमड़ी है जो लेके आई होगी। अंदर साइंस थोड़ा नॉर्मल वे में लेना चीज़ों को, तो लगता है कि हाँ यही लेके आया होगा, बकाया के रूलर नहीं लेके आए होंगे, तो हम लोग सभी इसी को लगा के आ जाते हैं, जो भी ब्रिटिश होता है या ब्रिटिश या इंग्लिश नाम लगता है उसी को लगा के आ जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले टीपू सुल्तान लेके आया है, ना कि ये कैंपबेल।
प्लांटेशन फॉरेस्ट ये 43 से हुई, ठीक है। इसके बाद आता है 54 का टाइम। 1854 में कलकत्ता में पहली बार एक जू चिड़ियाघर बनाया गया। तो ये अभी तक वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन कुछ टेम्प्रेरी टाइम पास टाइप के एग्जाम में, तो देश में सबसे पहला चिड़ियाघर कहाँ बना, कलकत्ता में, तो वहाँ ले रख लो, पका कुछ काम है नहीं। कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं अपना। जैसे पहला है, इन एंशिएंट इंडिया द ओनली किंग हु टुक ए फॉर टू लुक आफ्टर द फॉरेस्ट ऑफ हिज किंगडम वाज। प्राचीन एंशिएंट भारत में ऐसा कौन सा राजा था जिसने, मतलब अगर वो कहीं चला जाता है तो उसकी एब्सेंट में भी जंगल की देखभाल करने के लिए कोई अधिकारी अपॉइंट किया, तो वो कौन है अपना? सीधा सा है, चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे कर लोगे। फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पर कई बार ऐसा हो सकता है कि हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रॉपर ना होगा हो, तो भारत का प्रथम वन संरक्षण कौन है? तो अपना कौन है? कैप्टन वाटसन, जिन्हें 1806 में मद्रास गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया गया था। इसके बाद है द ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन। अपने सबसे पुराने जो सागौन के वन है वो कहाँ स्थित है? तो वो है अपने नीलांबर टीक। तो यहाँ पर इन्होंने टीक केरल दे रखा है। ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन किसकी? इंडिया की। कुछ एग्जामिनर थोड़े हाइप हो गए और उन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड लिख दिया। ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन वर्ल्ड, वो कहाँ है? तो भाई ढूंढ लो, केरला है। कई बार क्या करते हैं एग्जामिनर, एक जगह के है ना, बोलते क्वेश्चन में दिमाग लगाना नहीं होता है, तो यहाँ के क्वेश्चन को वहाँ पटक देते हैं, बस थोड़ी बहुत माइनर मॉडिफिकेशन कर देते हैं। बस इन्होंने ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन इंडिया था, इन्होंने वर्ल्ड कर दिया और पूछ लिया। एक है, फर्स्ट टीक प्लांटेशन वाज स्टेबलाइज। इंडिया की पहली टीक प्लांटेशन कहाँ स्टेबलाइज की गई? तो ये नीलांबर टीक रही। यहाँ पर आपको उसके हिंदी ट्रांसलेशन है। वापस चलते हैं अपनी थ्योरी पर। अब अपना आता है 1854 के बाद 1856 का। 1857 में क्रांति हुई थी, आपको पता है, 1857 में, उससे एक साल पहले का। उस टाइम पे वो गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें पता ही है, कैनिंग जो था अपना। तो वहाँ पर जो क्लिक हॉर्न है उसको अपॉइंट किया गया फर्स्ट रेगुलर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। मेन मुद्दा अपनी ये पूरी स्टोरी का है ब्रांडिस भाई साहब को पकड़ना। ये जो ब्रांडिस थे जर्मन थे, एक बात ध्यान रखना, फॉरेस्ट्री की जो भी शुरुआत है, कुछ भी हुआ हो 1800-1700 की सेंचुरी में, ये पूरा फॉरेस्ट्री का जो नॉलेज है वो एक टाइप से जर्मनी वालों की देन है। ये ब्रिटिश US वालों की केवल एक थोड़ा हिपोक्रेसी रहती है, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं, चाहे वो आपके डिफेंस में हो, न्यूक्लियर हो, एटॉमिक बॉम्ब वगैरह, जो है सारी चीज़ें पूरी जर्मनी से निकली है, चाहे यू बोट हो, एरोप्लेन हो, मिसाइल हो, कंप्यूटर के जो इनिशियल जनरेशन, सब के सब जर्मन वालों की देन है। तो वैसे ही इसमें है, ये पूरा फॉरेस्ट्री है वो जर्मनी वालों की देन है। तो डेट इज ब्रांडिस जो है वो जर्मन था और वहीं से ये पूरा निकला था। तो इन्हें उस टाइम पे पेगू, बर्मा जो है उसे पेगू बोला जाता था, या पेगू का, बर्मा का एक छोटा सा रीजन था जिसे इन्होंने पेगू बोल रखा था ब्रिटिश ने, वहाँ पर इसे अपॉइंट कर दिया गया था उस टाइम पे। सॉरी, ये डलहौजी था, अभी कैनिंग नहीं आया है 56 में, कैनिंग से पहले जो डलहौजी था उसी ने इसे अपॉइंट कर दिया गया था। कहाँ पर था ये? पेगू में। तो पेगू के बाद फिर अपनी जो फॉरेस्ट्री का जो हीरो है एक टाइप से ब्रांडिस भाई साहब, इनका पूरा काम चलेगा। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्रांडिस जो है उन्हें इंडिया में अपॉइंट करने से पहले, क्योंकि इन्हें फर्स्ट IGF बनाया गया, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया, इससे पहले ये कहाँ काम करके आए थे? तो उसमें आपको ऑप्शन में बर्मा या पेगू मिल जाएगा। तो उसे आपको ध्यान रखना है कि भाई ये यहाँ से पहले बर्मा में करके आए, और यहाँ पर इन्होंने जो काम किया उसका हमारे लिए एक रिलेशन है। यहाँ पर इन्होंने तुंग्या प्लांटेशन का एक्सपेरिमेंट वगैरह किए गए इनके टाइम पर, तो उनको फिर ये यहाँ पर अपने यहाँ लेकर के आए। तो तुंग्या वाले टॉपिक में भी इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे अगेन। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद देश अपना आज़ाद हो गया, तो 1857 में वो जो भी अपने मुद्दे चले, 1857 से लेकर लगभग 62-63 तक ये रिवॉल्ट वगैरह चलता रहा। तो रिवॉल्ट के बाद जैसे ही थोड़ी कंडीशन नॉर्मलाइज हुई, तो ये रिवॉल्ट के दौरान सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जो रिवॉल्यूशनरी थे वो, देखो रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में हो आसानी से पकड़े जा सकते थे, तो जैसे ही ब्रिटिश का फोर्स पड़ता था वो जंगलों में भाग जाते थे। और ब्रिटिश ने जंगलों पर कब्जा कर रखा था, तो उस टाइम पे एक टाइप से ब्रिटिश को हार्म पहुंचाने के लिए जंगलों में भी बहुत आग लगाई गई। तो एक बात समझ में आई कि अगर हमें अपनी पूरी दुनिया में सुप्रीमेसी बचानी है, क्योंकि उधर फ्रेंच की राइवलरी थी, जर्मन भी पावर में आ रहे थे, तो अगर आपको सुप्रीमेसी अपनी बचानी है तो आपको टिम्बर पे, क्योंकि जहाज चाहिए, जहाज के लिए आपको टिम्बर चाहिए और टिम्बर के लिए जंगल को प्रोटेक्ट करना है, तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे
जो लॉरेंस जो था उस टाइम पे गवर्नर जनरल अपना, उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टेबलाइज किया। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनेगा तो कोई सुप्रीम अधिकारी टॉप का अधिकारी होगा, तो उसके लिए ये जो ब्रांडिस भाई साहब थे, इन्होंने जो तुंगिया प्लांटेशन जो की थी उसका एक्सपीरियंस था, उससे जो बर्मा रीजन में जो लोकल के जो ट्राइबल्स थे उनकी और डिपार्टमेंट यानी कि ब्रिटिश के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, जो लड़ाई झगड़ा हो रही थी, तुंगिया प्लांटेशन एक टाइप से बीच का मुद्दा था जिससे वो लड़ाई झगड़ा कुछ हद तक शांत हुआ। दोनों में एक टाइप से कंप्रोमाइजेशन कंडीशन आ गई कि तो भाई ठीक है, दो चार बातें हम तुम्हारी मान लेते, तुम हमारी बात मान लो। तो इससे ये समझ में आया कि अगर ये ऐसा आदमी है कि अगर इसे हम अपॉइंट करते हैं तो कुछ हद तक ये डिपार्टमेंट को है इनिशियल फेज में अच्छी तरह से गवर्न कर सकता है, लोगों को साथ में लेके चल सकता है और अपने जो रिसोर्सेस हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाइम की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके इंटरेस्ट और लोकल लोगों के इंटरेस्ट को एक टाइप से हार्मोनाइज वे में, एक संतुलन वे में लेके चल सकता है। तो भाई साहब को पकड़ के यहाँ पर फर्स्ट IGF बना दिया गया, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। ये अब आपसे पूछा जाता है कि इंडिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1864 में पहला IGF किसे बनाया गया, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट किसे बनाया गया? तो वो अपने ब्रांडिस भाई साहब में याद रखना, डिपार्टमेंट सेटअप हुआ 1864 में। और इसी को बोला जाता है कि देश में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री स्टार्ट हुई। हालांकि इसमें साइंस और साइंटिफिक वाला ऐसा कुछ मुद्दा है नहीं, लेकिन बस वही कह दिया तो कह दिया। तो देश में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की शुरुआत कब से हुई? 1864 में। ये तीनों ही चीज़ें कई बार पूछी जा चुकी है। जॉन लॉरेंस को याद रखो ना रखो अपने लिए कोई मतलब नहीं रखता है। अब अगर आप डिपार्टमेंट बना देते हो और अगर डिपार्टमेंट को हाथ पैर नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? और हाथ पैर क्योंकि ऐसा तो है नहीं ब्रिटिश के भाई मुँह से बोल दिया करना है डंडा लेके चलेंगे, तो कुछ ना कुछ एक्ट पॉलिसी चाहिए। तो इसके लिए नेक्स्ट ईयर इसके लिए एक पूरा एक्ट पास किया जाता है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865। तो फर्स्ट जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया वो आया 1865 में। थोड़ा रिव्यू कर देता हूँ जिससे आगे सही चलेगा आपके लिए। इस एक्ट को बाद में 1878 में थोड़ा संशोधन किया गया था, और फिर संशोधन के बाद भी जब कंडीशन बहुत बदल गई टाइम के साथ, तो फिर 1927 में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था इसके बाद, तो लगभग देश में एक कंडीशन ही अलग बाहर हो चुकी थी, तो 27 में ये दोबारा से एक नए टाइप का एक्ट लेके आए थे। और यही जो एक्ट है 1927 का जो आज तक चल रहा है। 1980 में भी एक एक्ट आया था कंजर्वेशन एक्ट, वो तो 3-4 पेज का था, उसमें कुछ ऐसा है भी नहीं। तो ये 27 का ही एक्ट ब्रॉडली आज चल रहा है। 2018 में इसके लिए एक ड्राफ्ट की कोशिश की गई थी कि भाई ये 27 का 100 साल होने वाले हैं, हमारी कंडीशन बदल चुकी है, ज़रूरतें बदल चुकी, पूरी एक सेंचुरी हो चुकी है, क्यों अभी तक ब्रिटिश वालों का लोड लेके चल रहे हैं, ज़रूरतों के हिसाब से करो। तो इन्होंने एक ड्राफ्ट लेके आए थे, फिर वही है पब्लिक का थोड़ा एक अपना वो था, बोला ऐसा कर रहा है वो कर रहा है, तो फिर ड्राफ्ट भी बाद में इन्होंने ले लिया, वापस ले लिया, तो ड्राफ्ट भी नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल उम्मीद है अगले 10-15 साल या 20 साल ये 1927 के एक्ट से ही हम लोग गवर्न होने वाले हैं। तो 1865 में फर्स्ट आया था एक्ट, आया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। और 66 में, यहाँ पर आगे चल लेते हैं, 65 का जो एक्ट था, 67 में फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट की गई। देखो डिपार्टमेंट बन गया 64 में, डिपार्टमेंट तो एक बिल्डिंग तो खड़ी कर दी, उसका हेड अपॉइंट कर दिया ब्रांडिस भाई साहब को, दो चार उस टाइम पे जो फॉरेस्ट सर्विस में है उनको सबको उसमें डाल दिया गया। अब डिपार्टमेंट बन गया तो उन्हें पावर तो चाहिए ना, हथियार वगैरह चाहिए उनका एक प्रॉपर, के वो उनके पास इतना अधिकार हो वो किसी को भी पकड़ सकें। तो वो अधिकार के लिए अगले साल एक्ट आया 1865 में। अब चलो ठीक है, ये डिपार्टमेंट बन गया है, ये इसके लोग अपॉइंट हो गए, लेकिन ये जो लोग हैं ये हमेशा तो नहीं है, कोई मर जाएगा, किसी का रिटायरमेंट हो जाएगा, तो डिपार्टमेंट कैसे सस्टेन होगा? तो 2 साल बाद 67 में इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है उसको स्टार्ट किया। यहाँ तीनों मुद्दों को ही आपको याद रखना है, 1864 में डिपार्टमेंट, 65 में एक्ट, और 66 में, 67 में सर्विस। इसी दौरान ये जो 1866 है इसमें चंगा मंगा फ्यूलवुड प्लांटेशन हुई थी, इसे थोड़ा और देख लेते हैं। बात ये है कि पंजाब जो अपना पंजाब वाला रीजन था, पाकिस्तान वाला पंजाब वाला रीजन, यहाँ पर एक रीजन था, यहाँ पर दो डकैत थे, डाकू हुआ करते थे, एक का था नाम था चंगा और दूसरा था मंगा। तो वे जो फॉरेस्ट का पैच था उस रीजन में, इनका बहुत ही भाई आतंक था,
अब ये आतंक की वजह से उस रीजन को वो चंगा मंगा का जंगल वगैरह बोलते थे। बाद में जब इस रीजन में ब्रिटिश उससे परेशान भी हो रखे थे और इस रीजन में अपनी पहुंच के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि जो अपना इंडिया है, क्योंकि उन्हें ब्रिटेन को सामान भेजना होता था, तो वो बोला बंगाल से पूरा चक्कर लगाना होता है, अगर यहाँ पर कराची बना दिया जाए तो ये पूरा जो नॉर्थ है इसका सामान सीधा कराची पोर्ट से इधर भेजा जा सकता है, तो ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो इसके लिए इस रीजन में रेलवे लाइनिंग का काम कर रहे थे। अब उस टाइम पे फ्यूल के लिए गैस सिलेंडर तो होते नहीं थे बेचारों के पास, तो फ्यूल वुड के लिए, जलाऊ लकड़ी के लिए कहीं पेड़ों की प्लांटेशन करनी होती थी। तो यहाँ पर चंगा मंगा वाले रीजन में उन्होंने ऐसी प्लांटेशन वर्क किया था। कब किया था? 1866 में। तो क्वेश्चन आता है कि चंगा मंगा फ्यूल वुड प्लांटेशन कब की गई है? 1866 में। कहाँ है? ये पंजाब रीजन है जो आजकल पाकिस्तान के पास है, तो वहाँ पर ये प्लांटेशन की गई है। डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें हो चुकी हैं। थोड़ा ब्रांडिस भाई साहब को एक बार और देख लेते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फादर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, कुछ भी आ जाए ये ब्रांडिस भाई साहब को आप लगा देना है, सर डेटरिच ब्रांडिस। ठीक है, बका कि यहाँ पर थोड़ा बहुत और चीज़ें दी गई हैं, आप एक बार पढ़ लेना उसे। ऐसा कुछ इसमें स्पेसिफिक है नहीं जो बच रहा हो यहाँ पर, और जो कुछ भी होगा धीरे धीरे करके इनके बारे में और आगे चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी लास्ट तक आपके। अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, भारतीय वनों का जो पहला महानिदेशक है, हिंदी शायद इसका प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं है, वनों का क्या महानिरीक्षक कौन है पहला? तो अपने ब्रांडेस भाई साहब हैं, देख लो यहाँ पर। फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट डे फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाज लेड डाउन। भारत में जो वन है, वन विभाग है, उसके जो आधुनिक जो डिपार्टमेंट है उसकी नींव किसने रखी? तो वो ब्रांडेस हैं। फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल किसने कब अपॉइंट किया गया? तो 1864 है। वो घूम फिर के क्वेश्चन वही आएंगे, फादर ऑफ फॉरेस्ट्री, फादर ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री। फादर ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट नहीं बोल के, फादर ऑफ अगर वर्ल्ड का आएगा तो वहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री लिखा जाएगा, क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल में आता है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन है ब्रांडिस भाई साहब को लगा देना है। हेड क्वार्टर ऑफ IGF कहाँ है? ये जो IGF है वो कहाँ बैठता है? देखो पहले IGF बैठता था कोलकाता में, कब तक? 1911 तक। बाद में कैपिटल शिफ्ट हो गई दिल्ली, तो वो IGF कहाँ बैठता है? दिल्ली में। हालांकि आजकल ये IGF की पोस्ट की जगह बहुत कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि कोई भी जैसे अपना मिनिस्ट्री है MOEF, MOEF हो, MOEF CC क्लाइमेट चेंज भी जोड़ दिया गया है, ये हो या कोई भी मिनिस्ट्री हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें तीन बेसिक पिलर होते हैं। एक तो है इलेक्टेड हेड, जो नेता जिसे हम लोग चुनते हैं, दूसरा होता है सेक्रेटरी, और तीसरा होता है ये जो सर्विस है उसका हेड। जैसे पुलिस में है IGP होता था कभी, IG जिसे हम लोग बोलते हैं, IG है वो होता था। बाद में पोस्टें और जोड़ दी गई, DIG, फिर IG के पास ये इंस्पेक्टर जनरल की जगह, फिर आजकल टर्मिनोलॉजी जो है वो अपडेट हो गई, क्योंकि फिर IG बहुत सारे बन गए ज़रूरत के हिसाब। तो ये जो सर्विस है ये हेड होता है, कभी ये हुआ करता था IGF, जो फॉरेस्ट सर्विस का हेड हुआ करता था। ये पॉलिटिकल हेड है, उसके अंडर IGF और सेक्रेटरी, तीन लोगों से मिलकर ये काम चलता था। तो IGF कहाँ बैठेगा? अपना दिल्ली में। अब आज के टाइम पे ये IGF ना होकर के बहुत सारी बीच में टर्मिनोलॉजी आ गई, वो डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन अपना यहाँ काम हो गया, अपनी थ्योरी पे चलते हैं। तो ब्रांडिस भाई साहब आ चुके हैं, इसके बाद आता है चंगा मंगा प्लांटेशन हो गई अपनी, इसके बाद आता है 1871 में एक काम हुआ कि जो नीलाम्बर में अपनी 1842 में जो टिक की प्लांटेशन हुई थी, अब प्लांटेशन तो कर दी गई लेकिन वो ऐसी पड़ी है खाली। इन्हें समझ में आया कि भाई प्लांटेशन से अकेले काम नहीं चलेगा, हमें एक प्रॉपर वे में उसे मैनेज करने की ज़रूरत है, कि ये आखिर जो हमने कर दिया ये अगले 15 साल में कहाँ पहुँचे, ये 10 साल में कहाँ लेके जाना है हमें। तो उसके हिसाब से हमें एक प्लान की ज़रूरत है, फॉरेस्ट में से बोला जाता है वर्किंग प्लान। तो इसके लिए 71 में फर्स्ट टाइम प्लान, एक वर्किंग प्लान बनाया गया। 15 साल के लिए बनता है, 10 साल के लिए बनता है, तो ये लगभग इन्हें 15 साल के लिए, 70, 80, 90 इन्होंने फर्स्ट टाइम 25 साल के लिए लगभग बना दिया। आज के टाइम पे या तो 10 साल के लिए बनता है या 15 साल के लिए बनता है। फिर आता है 75 का ज़माना, उस टाइम पे एक फॉरेस्ट्री की बहुत ही फेमस मैगजीन है इंडियन फॉरेस्टर, वो पहली बार पब्लिश की गई। MP वाले से छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर टिपिकल एग्जाम है या अगर आप रट्टा मारना चाहते हैं तो इसे ज़रूर याद रखना है। क्वेश्चन इससे कई बार आ जाता है कि जो इंडियन फॉरेस्टर है
वो फर्स्ट टाइम कब पब्लिश की गई, किसने पब्लिश की गई, ये शो स्लेश और पॉवेल है इन्होंने पब्लिश की थी, और इंडिया की या फॉरेस्ट्री की या एशिया की फेमस फॉरेस्ट से रिलेटेड मैगजीन कौन सी है, तो ये इंडियन फॉरेस्ट है, क्योंकि बहुत ही पुरानी हो चुकी है। 175 मीन्स 25 वो 100, ये तो 125 प्लस 20, 145 साल पुरानी ये मैगजीन है, तो काफ़ी बैकअप है इसके पास, तो बहुत ही फेमस है, इसे याद रख लो कि इंडियन फॉरेस्टर है। आपसे ऐसा भी आ सकता है जैसे FAO कौन सी बुक निकालता है, FAO निकालता है अन सिल्वा, वैसे ही अपना फॉरेस्टी वाली ये इंडियन फॉरेस्ट निकालती है। एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है 1878 का, इस टाइम पे देहरादून में एक फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना हुई। एफ वैली भाई साहब थे ये, जैसे अपना वो पानी की बोतल नहीं आती है, इसे जस्ट थोड़ा लीनियंट वे में समझना है कि इन्होंने देहरादून में 1878 में एक स्कूल खोल दिया और बोला आओ बच्चों जंगल सिखाएंगे तुम्हें, मुगली जैसे लोगों को भर्ती कर लिया उसमें। अब 78 में इन्होंने किया तो है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि एफ वैली ने किया, क्योंकि इतना लगा नहीं कि MP में आ सकता है, बस इतना याद रखो कि 1878 में फॉरेस्ट स्कूल स्टार्ट हुआ देहरादून में। बाद में गवर्नमेंट को लगा, क्योंकि एफ वैली इंडियन तो था नहीं, ब्रिटिश ही था, बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं यार ये ठीक है, अपना काम चल सकता है, डिपार्टमेंट का काम चल सकता है यहाँ से, तो ये जो फॉरेस्ट स्कूल है बोलते हैं तुमने कौन से अपने पैसे से लगाया है, हमारी कॉलोनियल पावर से लगाया है, तो इसका नाम चेंज कर देते हैं, शायद 85 में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है और फॉरेस्ट स्कूल की जगह इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऐसा कुछ कर दिया जाता है इसका। बाद में आएगा अपना 1905-06 का टाइम, तब इसको हम FRI में फिर अगेन कन्वर्ट करेंगे 1905 के टाइम पे। तो अभी इतना याद रखो कि फॉरेस्ट स्कूल देहरादून में 1878 में स्टार्ट किया गया, ये कई बार पूछा जा चुका है। एक मुद्दा और है एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। अब देखो ये उस टाइम का बात है जब अपने यहाँ साउथ में, आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे द हिंदू है, अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं तो उस पर भी 78 लिखा होगा कि 78 से पब्लिश हो रहा है ये आप हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 78 वो टाइम था जब रातों रात हिंदी वाले या जो वर्नाकुलर लैंग्वेज के जो पेपर थे वो रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए, वो जो एक्ट आया था लाल जो भी रिपन का था शायद, तो वो वाला टाइम पीरियड था जहाँ पर जो लोकल रूलर थे वो हाथी पे बैठ के चलते थे। तो भाई एक ब्रिटिश के साथ वो तो इशू चल ही रहा था, तो ब्रिटिश ने राजाओं को नीचा दिखाने के लिए क्या किया, एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास कर दिया 1878 में। पर्पज यही था कि एक टाइप से राजाओं के अंदर से हाथियों को निकाल लो, तो ये जो उन्होंने बड़े बड़े हाथी रख रखे थे वो खींच लो उनसे, अब जब राजाओं के पास से हाथी गायब हो जाएंगे तो राजा इतने ऊंचे जो शान से जाते थे नहीं जा पाएंगे, बेचारों को घोड़ा पकड़ना पड़ेगा या तांगा जो भी है, तो एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट उस टाइम पे पास किया गया था। एक एस्पेक्ट वो इसका ये था, यहाँ पर कोई जंगली हाथियों का बचाने एक बहुत बड़ा इशू नहीं था। यहाँ याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाद में जब आपको ये आएगा कि एलिफेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड अपने प्रोग्राम कब शुरू हुए हैं तो कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए, या एनिमल से रिलेटेड और चीज़ें आएंगी तो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो अक्सर जब आंसर में इस टाइप का 1879 यानी कि 1800 की वाली की पीरियड के जब भी ऑप्शन मिलते हैं तो लगता है ये तो ज़्यादा पुराना हो गया, ये नहीं होगा। जैसे एलिफेंट जो प्रोजेक्ट चला था वो कब आया था, वो 1992 में आया था, 1992 में आया था एलिफेंट प्रोजेक्ट, माइक वगैरह चले, तो ये बहुत पुराना है। फिर आता है अपना 1883 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हुआ, वो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, हॉर्नबिल क्लासेस का भी नाम अपना यही है, इनका लोगो भी हॉर्नबिल है, याद रखें हॉर्नबिल हॉर्नबिल, बॉम्बे में है BNHS। 1883 में ये स्टेबलाइज हुई थी बॉम्बे में, और आज के टाइम पे मतलब दुनिया की जो बहुत ही पुरानी संस्थाएं हैं उनमें इसका नाम है, धाक चलती है एक टाइप से, जैसे लोकल में बोला जाता है ना जूता पूछता है, बस वैसा है इनका कि भाई पूरी दुनिया में जो वर्ड है, वर्ड से रिलेटेड जो ऑर्निथोलॉजी है उसके रिसर्च में जूता पूछता है, ऐसी कॉर्नेल लैब भी है लेकिन वो है नई है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का, इस फील्ड में तो जूता पूछता है भाई। और अगर साउथ ईस्ट एशिया में बोला जाए तो ये पूरा जो भी सेंसस का काम होता है अपने यहाँ, चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो या फिर इंटरनेशनल लेवल का, तो भाई ये
ठीक करते हैं, पूरा साउथ ईस्ट एशिया में ही रूल कर रहा है आज के टाइम पे। तो ये स्टेबलाइज हुई थी 1883 में। इसी टाइम पे ब्रांडिस रिटायर हो चुके थे, तो उस टाइम पे जो सिलिच थे जिनने पहली बार ये मैगजीन निकाली थी इंडियन फॉरेस्टर, उनको सेकंड IGF बना दिया गया था। ये अपने लिए मतलब की बात है नहीं, बस इतना याद रखो 1883 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी स्टार्ट हुई। इसके बाद तीन चार चीजें बहुत खतरनाक हुई। आपको ये याद होगा जैसे मैंने एलिफेंट की बात की यहाँ राजाओं के लिए, ये यहाँ कुछ और इशू चल रहे थे। ब्रिटिश या कॉलोनियल पावर का रिजल्ट ये था कि 18वीं यानी कि 19वीं शताब्दी चल रही थी, तो ये 1800 वाला जो चल रहा था पीरियड, इस पीरियड में स्टार्टिंग में इतने इन्होंने इतनी लूट मार मचाई थी कि 70 के जमाने तक आते आते, वैसे तो 50-55 से ही चल रहा था, हर 4-5 साल में देश के किसी न किसी के कॉर्नर पे भूख अकाल पड़ ही जाता था। और जहां भी अकाल पड़ता था 5 लाख 25 लाख 40 लाख लोग निपट जाते थे। ये तब की पीरियड है जब पॉपुलेशन कम थी। आज के टाइम पे अगर उसे आज की पॉपुलेशन के कंपेयर में करोगे तो ऐसा होगा 20 करोड़ मर गए, 15 करोड़ मर गए, 25 करोड़ों में चलेगा जैसे वो लाख की थी। तो ये उस टाइम के डेथ के डाटा थे। तो अब भाई हर 4-5 साल में डेथ होनी है, अकाल पड़नी है। 1885 में कांग्रेस आ चुकी थी, तो कांग्रेस भी फोर्स कर रही थी, लोग कांग्रेस से जुड़ रहे थे, तो ये थोड़े परेशान हो रहे थे कि कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे इनकी नीचे से पब्लिक है उसको लेती जा रही है, तो क्या किया जाए। तो इन्होंने 1890 में दूसरा, देखो ये भी जर्मनी है, ये थे डॉक्टर वोल्कर, ध्यान रखे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ब्रांडिस के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन है डॉक्टर वोल्कर। ये वोल्कर भाई साहब को बुलाया गया और इनसे बोला भाई प्रभु देख लो कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है ये इसके साथ क्या समस्या आ गई हमारे साथ आने से, कि हर साल 2-4 साल में भाई अकाल पड़ जाता और ये कांग्रेस वाले हवाला करके हमारी इज्जत धुलते रहते हैं। वोल्कर भाई साहब को अपॉइंट किया गया, इनने देश में घुमा फिरी करी और फिर इन्होंने जो बताया उसको इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। इन्हें अपॉइंट किया गया था इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम से रिलेटेड, 90 में अपॉइंट किया गया, इन्हें 3 साल काम किया और 1893 में 3 साल बाद इन्होंने अपनी इंडियन एग्रीकल्चर से के रिफॉर्म से रिलेटेड एक रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट का नाम था रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि भारतीय कृषि में आपको क्या सुधार की जरूरत है। इस बुक में या इस रिपोर्ट में इन्होंने एक सेपरेट चैप्टर जो 8 था, याद रखने की जरूरत नहीं है, एक पूरा सेपरेट डेडिकेटेड एक चैप्टर बनाया, पूरा एक विस्तृत चैप्टर बनाया फॉरेस्ट के ऊपर, और उसमें बताया कि एक्चुअल में तुम्हारी जो एग्रीकल्चर की समस्या है वो एग्रीकल्चर से ना होके जंगलों से रिलेटेड है। और ये वही चैप्टर था जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट पॉलिसी यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स हुई कि उसे फॉरेस्ट पॉलिसी लेके आनी पड़ी कि देश के वनों को कैसे रूल किया जाए। तो भारत की जो पहली फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1884 की, वो ये वोल्कर रिपोर्ट के आधार पर आई थी। अब इनने रिपोर्ट में और क्या कहा था वो चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं, तो ये वोल्कर भाई साहब थोड़े याद रहेंगे लंबे टाइम तक। इन्होंने कहा कि जब ब्रिटिश नहीं आए थे तो ऊपर के जो पैच थे, खासकर जो हिली रीजन है, यहाँ पर खूब जंगल हुआ करते थे। जब बरसात होती थी तो यहाँ से जो नदियाँ हैं उनमें पानी आता रहता था, और क्योंकि जो जंगल थे वो लोकल क्लाइमेट बना लेते हैं, तो ये जंगल वाले रीजन में लगभग साल भर बारिश होती ही रहती थी। तो एक तो ये है कि जो नदियाँ हैं उनमें लगभग समान मात्रा में पानी हमेशा रहता था, जिससे जो नदियों से जो जुड़े हुए एरिया है इनमें पानी की इतनी ज़्यादा समस्या थी नहीं, पहली बात। दूसरा, ये जो ऊपर जंगल थे, जंगल में पानी है, पत्तियां हैं, जंगल के पेड़ हैं, वो पतझड़ करेंगे, पत्तियां गिराएंगे, वो पत्तियां पानी के साथ जो न्यूट्रिएंट है, जो पोषक तत्व हैं, वो इसके साथ बह के आएंगे, और वो ये नदी के जो किनारे वाले रीजन हैं, जब क्योंकि बारिश के टाइम पे बाढ़ आ ही जाती है, तो उस टाइम पे ये पोषक तत्व तो इस ज़मीन पे फैला देते थे, और बाद में जब पानी चला जाता था तो लोग इसी में खेतीबाड़ी करते थे। तो इस टाइप से खेत में की फर्टिलिटी या उत्पादक क्षमता भी बहुत ज़्यादा थी और वाटर लेवल की भी समस्याएं नहीं थी। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया कि एक्सपेंशन के लिए, एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के लिए इन एरिया में भी घुस गए और जंगलों को करने लगे साफ। इससे क्या हुआ कि जो भी बारिश हो रही थी, सपोज पहले यहाँ 100 लीटर पानी गिरा तो नदी में यहाँ 2-4 या 5 लीटर ही आता था, बकाया का पूरा इधर ही रिसाइकिल होता रहता था। अब क्या हो रहा है कि अगर यहाँ 100 लीटर पानी डाला जा रहा है तो उसका लगभग 90% पानी तो सीधा एकदम पानी यहाँ आ जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी पानी आपका आ रहा है वो एक साथ बह गया, तो एकदम आता है तो एक तो नीचे बाढ़ आ गई,
बाढ़ से लोग परेशान हो जाते हैं, और फिर बाढ़ जाने के बाद बरसात जैसी खत्म हुई, नदियां सूख सी जाती हैं, तो फिर अकाल पड़ जाता है। तो इसके लिए जरूरी है ये जंगल को बचाया जाए। तो एक टाइप से इन्होंने उस रिपोर्ट में पूरा जो मेन थीम थी वो बता दी कि जो कुछ तुम्हारी समस्या है उनकी जड़ है ये तुम्हारे जंगलों को काटना। तो इससे ब्रिटिश को लगा कि ना भाई ना, अब तो हमें जंगल को देखना पड़ेगा, एक नया एस्पेक्ट मिला। तो उसकी वजह से ये पॉलिसी लेके आए। पॉलिसी का मतलब हिंदी में बोलते हैं आपको नीति लेके आए। नीति का मतलब यही है कि आखिर हमें ये चीजें हैं इनको मैनेज करना है, तो कैसे किया जाए। तो वो एक रणनीति थी, तो फॉरेस्ट पॉलिसी 1894। ये पूछी जा चुकी है कि इंडिया की जो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी है वो कब आई है, ये कई बार पूछी जा चुकी है। किसकी रिपोर्ट से आई, वो होल्कर भाई साहब की से आई, कब अपॉइंट किए गए थे 1890 में, ये तीनों चीजें कई बार पूछी जा चुकी है। इसमें फिर बाद में एक वेदांथिंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनती है तमिलनाडु में, याद रख लेना। तो देश की अपनी पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यही है। 1905 में वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस जो है उसका सेटअप होती है, मतलब स्थापना होती है। इसके बारे में ज्यादा तो डिटेल है नहीं, लेकिन जो भी ट्रेडिशनल बुक्स हैं उनमें ये लिख रखा है। तो भाई इसीलिए रट्टा मरवा देते हैं सबसे, तो भाई पढ़ लो। अपने मतलब का जो मेन क्वेश्चन है वो निकलता है यहाँ से। एक तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, इन्हें छोड़ भी दोगे इतना बड़ा है तो वाली बात नहीं है। 1906 से, 1906 में जो अपना इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल, देखो पहले बना था फॉरेस्ट स्कूल कब, ये बना था अपना 78 में, 1878 में, बाद में 84 85 के टाइम पे ऐसे कुछ पीरियड था जब इसके नाम चेंज कर दिया गया। बोला कि भाई तुमने ये पैसा तो ब्रिटिश का ही लगाया है, तो एक काम करो फॉरेस्ट स्कूल के आगे इम्पीरियल टर्म लगा लो। तो इस टाइप से इसे बना दिया गया है, इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल। फिर बाद में जब इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने इसे इंस्टीट्यूट बना दिया गया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसके पीछे एक रीजन ये था, कांग्रेस की स्थापना, क्योंकि ये 1900 का जो पीरियड था इस टाइम पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज हो चुका था। पूरी दुनिया में रिसर्च रिसर्च चल रही थी। तो इन्हें एक बात समझ में आने लगी थी कि हमें इसमें आगे जाने की ज़रूरत है, जिससे हम फॉरेस्ट को और बेटर तरीके से एक्सप्लॉयट कर सकें। तो इसलिए फिर इन्हें कुछ तो बना नहीं था अभी, इनके पास पहले से एक स्ट्रक्चर थी, तो बस उसकी बिल्डिंग की पुताई वगैरह की और एक नई इंस्टीट्यूट बना दी, इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब यहाँ आपको इस पछड़े में नहीं पढ़ना है कि इन्हें कोई नई बिल्डिंग बनाई FRI की। वैसे एक्चुअल में जो FRI है अपनी, वो एक नई बिल्डिंग है, स्कूल ना होकर के पूरी नई बिल्डिंग है जिसकी नींव रखी गई, पूरा बनाई गई। लेकिन आप उस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल से याद रखो कि इन्होंने 1806 में इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसे आज हम लोग FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। ये कई बार पूछा जा चुका है कि FRI की स्थापना कब हुई, 1906, क्योंकि फॉरेस्ट स्कूल से काम हो नहीं रहा था तो उसी कैंपस में बड़ी सी बिल्डिंग बना दी गई। अब ये चलता रहता है बाद में अपने जो मिर्लो मोंटे रिफॉर्म किया, मोंटे फोर्ड है, मोंटे मिर्लो, जो भी चलते रहते हैं ये चलते रहे। फिर हो जाता है अपना वर्ल्ड वार वन, 1914 में वर्ल्ड वार वन की शुरुआत हो जाती है। अब आपको पता है कि वर्ल्ड वार वन शुरू होगा, लड़ाई होगी तो ईंधन तो चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर गैस सिलेंडर थोड़ी है। जहाँ भी आर्मी जाएगी उन्हें खाना पकाने के लिए लकड़ी चाहिए, ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से तो चलती नहीं थी, तो उनके लिए कोयला कहाँ से आएगा, कोयले के जो रिसोर्सेज थे। तो आर्मी जो है अगर आपकी दुश्मन वाले हैं तो सबसे पहले वो आपके कोयले के जो संसाधन थे उन्हीं पर जाकर कब्जा कर लेते थे। जैसे कोयला नहीं होगा तो आपकी ट्रेन नहीं चलेगी, तो आप लड़ने कैसे आओगे। तो यहाँ पर ये कोशिश की गई कि जो जंगल है उन्हें प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए और उनसे रिसोर्सेज को अच्छी तरह से एक्सप्लॉयट किया जाए, जिससे हम लड़ाई जीत सकें। तो उसके लिए यहाँ फॉरेस्ट्री बोर्ड का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री 1914 में, जिससे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को सीधा सीधा एक्सप्लॉयट करके लड़ाई में लगाया जा सके। तो ये भी पूछा जा चुका है फॉरेस्ट्री बोर्ड का कब गठन किया गया। अब जब वर्ल्ड वार वन खत्म हो जाता है, इसके बाद फिर आपको पता है कि अपने जो और भी कांग्रेस का, गांधी जी का आगमन हो ही चुका था, फिर अपने आप मूवमेंट का काम चला, मूवमेंट में जो जंगल थे वो भी आ गए। तो अब कंडीशन वर्ल्ड वार वन के बाद बहुत कुछ बदल चुकी थी, पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिकल भी। तो अब जो फॉरेस्ट जो थे उसका इम्पोर्टेंस तो ब्रिटिश के लिए बढ़ा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब उतना ही हो, क्योंकि अब जो है यहाँ पर इंडिया में वो कॉलोनियल जो ट्रेडिंग पावर थी वो अब ट्रेडिंग पावर नहीं थी उतनी, ट्रेडिंग अब सबके लिए खुल दी गई, अब वो एक्चुअल में एक टाइप से पॉलिटिकली पावर थी। तो अब वो उतना फॉरेस्ट होने के लिए इम्पोर्टेंस नहीं बचा था जो पहले था। तो अब उन्हें क्या करना था, फॉरेस्ट को थोड़ा लिबरलाइज भी करना था। कांग्रेस है, यहाँ के लोकल थे वो भी थोड़ा अब सत्ता में अधिकार थे, मूवमेंट है वो चल रहे थे। तो इसलिए इन्होंने फिर एक नया एक्ट लेके आए 1927 में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट।
ये कई बार पूछा जा चुका है कि अपना एक्ट कब आया है, 1927 में। इससे पहले कब एक्ट आया था अपना, 1865 में, वो भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। इसमें नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण पॉइंट है 1936, देश का पहला जो नेशनल पार्क है वो बनाया गया कॉर्बेट नेशनल पार्क को, या इसे अपन हेली नेशनल पार्क भी बोल देते हैं। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पहली बनी थी वो वेदनथंगल 1898 में ही बनी गई थी, नेशनल पार्क जो है 1936 में बना। इसकी थोड़ी स्टोरी देख लेते हैं, कभी कभार ये चीज़ें जो हैं बैकग्राउंड स्टोरी है वो आपको याद रखने में आसान बना देता है। बात ये थी कि ये जो कॉर्बेट भाई साहब है ये अपना है शिवालिक हिल, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी, ये जो शिवालिक हिल्स है उसका जो फुट हिल रीजन है ये लगभग 4-5 किलोमीटर का ऐसा चौड़ाई में बेल्ट है जिसमें बड़े बड़े पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं और इसमें ज़्यादातर मिट्टी वगैरह जैसा कुछ है नहीं, तो वेजिटेशन यहाँ है नहीं, खाली एरिया है। इसको बोलते हैं भाबर भाबर। इसके बाद का जो रीजन है एक अच्छा खासा बेल्ट है लगभग 20 किलोमीटर के आसपास का, ये वाला वो रीजन है जहाँ के जो, क्योंकि जो इधर से हिल आ रही थी वो यहाँ पर, जो यहाँ से नदियाँ आ रही थी वो इस रीजन में पूरा जलोढ़ जो है, गाद जो है, सिल्ट जो है उसे यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, तो यहाँ वाटर टेबल बहुत ज़्यादा हाई है और यहाँ पर पूरे घने जंगल है, इसे बोलते हैं हम लोग तराई। अब ये कॉर्बेट भाई साहब जो है वो यूपी में, उस टाइम पे ये उत्तराखंड भी यूपी का ही पार्ट था, तो ये तराई रीजन में शिकार के लिए गए। वो एक वो पीरियड था जब ब्रिटिश भी इंडियन जो किंग थे उनके साथ रह रहे के इन्हें भी आदत हो चुकी थी शिकार करने की, और एक टाइप से जो हंटिंग है वो एक ट्रॉफी की तरह समझा जाता था कि आपने 40 टाइगर मारा यानी कि बहुत बड़ा काम किया है, आपने 80 को मारा है यानी कि आप तो वही सबके ही ग्रांड फादर हो चुके हो, तो ये ट्रॉफी वाला इस टाइप के काम चलते थे। तो कॉर्बेट भाई साहब कभी हंटिंग के लिए वैसे जाते रहते थे, तो जैसे आज गए और इन्होंने 4 को मारा, कल गए कल 12 को मारा, इस टाइप से ये हंटिंग करते थे। अब भाई ये एक दिन चले गए और ये उस रीजन में, तराई रीजन में जो टाइगर बहुत ज़्यादा मिलते थे अक्सर शिकार वहाँ करने जाते थे, ये वहाँ पर गए और 5-6 दिन ये परेशान रहे, इन्हें बहुत ढूंढा, इन्हें मिले नहीं। बाद में एक थोड़े झुरमुट में एक टाइगर मिला, ये मारने के लिए थोड़ा पास में चले गए, उसने इन पर अटैक कर दिया। उस दिन इनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो गया, जान पपन पड़ी तो वही ज्ञान हो गया, तो उस दिन इन्हें समझ में आया कि भाई जिस टाइप से हम लोग टाइगर्स को मारते जा रहे हैं उसका रिजल्ट हो रहा है कि इनकी पॉपुलेशन तेजी से गिर रही है, और इनकी पॉपुलेशन तेजी से जब गिर रही है तो जो अदर एनिमल्स हैं, क्योंकि 4-5 दिन से जब उस एरिया में घूम रहे थे, तो इन्हें इतने जो ग्रेजिंग एनिमल है जैसे कि बारहसिंगा है, अदर है जो घास खाते हैं, बोला इन एनिमल्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसका इंक्रीज हो रहा है कि वो जो ग्रास लैंड है वो खत्म से होते जा रहे हैं, वो इन्हें कमजोर दिखे, ग्रास लैंड बर्बाद से दिखे, क्योंकि ग्रेजिंग वाले जो घास खाने वाले एनिमल की जो जानवर है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो घास ज़्यादा तेजी से खाएंगे, जल्दी उस पूरे एरिया को साफ कर देंगे, इसका परिणाम ये होगा कि वो एरिया खाली सा दिखने लगेगा। तो एक वो समस्या लगने लगी इन्हें, इन्हें लगा कि ऐसे तो जंगल बर्बाद हो रहा है और रीजन किससे समझ में आया, टाइगर की पॉपुलेशन से। तो फिर एकदम भाई आत्मज्ञान हो गया, तो ये आदमी जो टाइगर को 10-10, 12-12 मारने के पीछे तला रहता था, ये उनके बचाने के पक्ष में आ गया। फिर ये बुक्स लिखते हैं, मूवमेंट चलाते हैं, एक टाइप से लोगों को समझाते हैं कि देखो ये एरिया था जहाँ पहले इतने टाइगर थे, एरिया हरा भरा था, जैसे जैसे टाइगर गए ये एरिया उबड़ खाबड़ हो गया है, बर्बाद होता जा रहा है, सूखता जा रहा है एरिया, पर अगर टाइगर और फॉरेस्ट जो है एक दूसरे के लिंक है, अगर टाइगर खत्म तो जंगल खत्म। इन लोगों ने समझाया, उस टाइम पे यूपी गवर्नमेंट जो थी, उस यूपी गवर्नमेंट जो है उसके गवर्नमेंट, यूपी के उस टाइम के जो गवर्नर थे वो थे हेली, इनका पूरा कुछ नाम है हेली, उस टाइम के वहाँ पर गवर्नर थे। तो ये तराई जो रीजन है वहाँ पर इन्होंने एक नेशनल पार्क बनाया और अब क्योंकि गवर्नर थे तो उन्हीं के नाम पर कर दिया गया। बाद में जब 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देश आज़ाद होने के बाद इनके जो इम्पोर्टेंस था उसको, उसके हिसाब से फिर इसका नाम आज कॉर्बेट कर दिया गया, हेली को बोल दिया गया भाई तू निकल ले यहाँ से। तो आज के टाइम पे वो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, लेकिन कई बार क्वेश्चनों में उसे हेली नेशनल पार्क भी लिख दिया जाता है, तो वो देख लेना उसे। फर्स्ट नेशनल पार्क है, कब बना, 1936 में। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, कि फॉरेस्ट स्कूल एट देहरादून कब स्टेबलाइज हुआ, देहरादून में वन स्कूल जो है वो कब बना।
गलती से कुछ जो ऑब्जेक्टिव आपको दिए गए हैं उसमें 1978 लिख दिया गया है, वो 1878 है, इसे चेंज कर लें, टाइपिंग एरर है, इसे यहाँ स्पेसिफिकली इसलिए हाईलाइट कर दिया गया है। तो ये बना कब, 1878, बाद में इसके आगे इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल कर दिया गया, बाद में इसे 1906 में बना दिया गया इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, और देश के आज़ाद होने के बाद इसका नाम फिर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ही कर दिया गया, इंपीरियल शब्द इसके नाम से हटा दिया गया। दूसरा है फर्स्ट स्टेबलाइज नेशनल पार्क इन इंडिया, देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो सीधा सा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये पूछा गया था कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है या फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया जो हेली नेशनल पार्क है वो कब सेटअप हुआ, आपको पता है 1936 में हुआ। अब इन्होंने ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं 1935 और 1937, अब 36 दिया ही नहीं गया है तो क्या करें। दूसरा है कि ये जो केरला RFO में आया, देखो यहाँ पर कई बार आपको क्वेश्चन एक साथ दो दो तीन तीन कर दिए जाते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि ये क्वेश्चन मोर और लेस लगभग सेम ही होते हैं, तो एक साथ कर दिया, कहाँ इतने लंबे चौड़े में आप रिपीट में वही क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। यहाँ केरला RFO में क्या किया इन्होंने, इसका आंसर जो ऑफिशियल आंसर है वो 1935 दिया, और ये एक्चुअल में केरला RFO का है क्वेश्चन है। तमिलनाडु वालों ने तो ठीक ठाक ऑप्शन दे रखे थे, उनके में 36 था, आप 36 से कम चला लेते हो, लेकिन केरला वालों ने 35 और 37 दो रखे थे और इन्होंने इसका ऑफिशियल आंसर है वो 35 दे रखा है। तो अब आपको याद रखें कि 36 है ये अपना एग्जैक्ट आंसर है, जो गवर्नमेंट में भी रिकॉर्ड जो है उनमें भी 36 ही मिलता है, लेकिन अगर आपको इस टाइप के बाई चांस टिपिकल कोई कॉपी पेस्ट मार दे तो फिर आप 35 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली केरला वालों ने जो है मेनली जो केरला की फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं इसमें, तो हो सकता है दैट इज पॉसिबल कि उन्होंने कुछ सोर्स के बेस पे से आंसर दिया हो। नेक्स्ट अपना इसके बाद आता है देश आज़ाद हो जाता है 47 में, तो उसके बाद आता है अपना 48 का पीरियड जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री, देखो बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री कब बना था, 1914 में जब World War I स्टार्ट हुआ था, World War ख़त्म हो जाता है लेकिन इस बोर्ड का इम्पोर्टेंस इन्हें समझ में आ गया था तो इस बोर्ड को ख़त्म नहीं किया गया, ये बोर्ड कंटिन्यू चलता रहा, फिर Second World War रहा, इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ गया है ना, और वो बोर्ड कंटिन्यू चलता रहा देश आज़ाद होने तक। और जब देश आज़ाद हो गया तो फिर यहाँ पर एक इशू और आया, देखो आपको पता है कि 1935 में अपने यहाँ एक मेजर चेंज हुआ था कि पावर जो है वो सेंटर और स्टेट में बांट दी गई थी, उस टाइम पे जो फॉरेस्ट्री है उसे स्टेट को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और उसका रिजल्ट हुआ कि जो अपनी ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विस जो इन्होंने 1867 में जो स्टार्ट की थी फॉरेस्ट सर्विस की, उससे 35 में ख़त्म कर दिया गया है, 1935 में ख़त्म कर दिया गया। तो अब स्टेट सब्जेक्ट था फॉरेस्ट्री, स्टेट ही देखेंगे, सेंटर ज़्यादा कुछ देखता नहीं था, बस ये इनका जो बोर्ड था ये ज़रूर सेंटर लेवल पर कंटिन्यू बना रहा, उसका पर्पज़ ये था कि गवर्नमेंट जो है सेंटर जो है वो थोड़ा रेगुलेट कर सके, अपने लिए रिसोर्सेज निकाल सके। जब देश आज़ाद होता है तो 48 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर से सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री बनाती है। अब यहाँ पर सेंट्रल शब्द क्यों लिखा, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट बोर्ड फॉरेस्ट्री के रहते ही थे, जो स्टेट लेवल पे फॉरेस्ट को रेगुलेट करते थे गवर्नर के अंडर, सेंट्रल लेवल पे ऐसा कुछ काम नहीं चल रहा था तो इन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री बना दिया। देश आज़ाद हो गया इसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि 47 में सबके सब ब्रिटिश यहाँ से उन्होंने अपना बोर या बिस्तर बांधा और ब्रिटेन चले गए, यहाँ पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में वो लगभग 1970 तक लगभग रहे, 70 65 70 तक वो लगभग यहाँ पर रहे सिस्टम में। तो उसी टाइम पे जैसे 49 में जो इनका उस टाइम का जो भी था IGF जो था वो रिटायर जब हुआ तो उस टाइम पे MD चतुर्वेदी को IGF बनाया गया, धीरे धीरे इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में इंटर किया गया, तो बहुत पहले से इनको धीरे धीरे प्रमोशन चल रहा था, कुछ लेवल पे पोस्ट पे पहुंच चुके थे, बाद में ना IGF इसका बना दिया गया। तो क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इंडियन IGF, तो वो अपने MD चतुर्वेदी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है 1950 का, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग हर दूसरे या तीसरे पेपर में फॉरेस्ट्री का जो भी ऑब्जेक्टिव हो इसमें ये क्वेश्चन आ ही जाता है, ये है वन महोत्सव। वन महोत्सव के साथ बात ये है कि उस टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी ये जो अपने फॉरेस्ट्री है, जैसे आज इंडिपेंडेंट स्टेट में डिपार्टमेंट होते हैं, मंत्रालय है सेंट्रल में, उस टाइम पे ये फॉरेस्ट्री इंडिपेंडेंट कोई मिनिस्ट्री नहीं हुआ करता था, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो एग्रीकल्चर है उसका एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। तो उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर थे वो थे अपने KM मुंशी,
बहुत पढ़ेंगे, गुजराती थे, के एम मुंशी। इन्होंने 1950 में, ध्यान रखें 1950 ही है, 1952 नहीं है, कुछ बुक्स में ये 52 लिख रखा है, वो गलत है, गवर्नमेंट का अप्रूव भी 1950 है, रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट के 1985 बोलते हैं। एक दो जगह गलत जरूर हो चुका है उनमें, गलत एरर है उनमें, टाइपिंग एरर, लेकिन मेजोरिटी 1950 ही है। तो 1950 में के एम मुंशी जो थे, इन्होंने कहा कि देश में हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, एक टाइप से हमें हरियाली की तरफ प्रमोट करना चाहिए, तो उसके लिए एक फेस्टिवल या एक टाइप से प्लांटेशन ड्राइव चलाई। अब अपने आप मानसून कब आता है, 1 जून केरल में पहुंचता है, पूरे देश में पहुंचते पहुंचते लगभग 15-20 जून हो जाता है, फिर ये रेनफॉल करेगा, जमीन को थोड़ा टाइम चाहिए 10-15 दिन का। तो इन्होंने जुलाई का पहला वीक चुना, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो इन्होंने बोला जुलाई के पहले सप्ताह में हम वन महोत्सव या एक फेस्टिवल का आयोजन करेंगे, एक त्यौहार मनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, लोगों को वनों का महत्व समझाएंगे और पेड़ पौधे लगाने को प्रमोट करेंगे। अब उसके पीछे इनके कुछ उद्देश्य थे, बोलेंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगेंगे तो लोग पास में ही पेड़ होंगे, तो पेड़ों से जो फल फ्रूट हैं, लकड़ी है, वो भी जरूरतें उन्हें आराम से मिल पाएंगे, पेड़ होंगे तो हरियाली होगी, इन्वायरमेंट ज़्यादा साफ होगा, पत्तियों से वो जो फॉरेस्ट के जो इम्पोर्टेंस थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर लग जाएंगी, आप इतने पढ़ लें आराम से, नहीं तो आगे सिल्वीकल्चर में अपन फॉरेस्ट के जो इम्पोर्टेंस हैं, जो टेंजिबल इनटेंजिबल बेनिफिट हैं, वो पूरे यहाँ पर इन्होंने लिस्ट कर रखा है। तो आपसे क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वन महोत्सव है वो कब शुरू किया गया, तो 1950 में, किसने किया, के एम मुंशी ने, कब किया जाता है, या तो आपको डेट मिलेगी फर्स्ट वीक जुलाई का पहला सप्ताह है, या फिर डेट में मिला होगा 1 जुलाई या 2 जुलाई, ऐसे कुछ डेट मिल जाएगी, तो आपको 1 जुलाई लगा देना है। ये 4 क्वेश्चन है जो आते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कर्नाटका आरएफओ का, इन्होंने पूछा था सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री कब बनाया गया, कब स्थापित हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स था, तो वो है 1948 का, जो अपना यहाँ पर 48 था वो हो गया। वन महोत्सव की बात कर ली हम लोगों ने, इसके बाद अभी के क्वेश्चन देख लेते हैं कि हु स्टार्टेड वन महोत्सव, लगभग पूछा ही गया है, तो कौन है अपने के एम मुंशी, ये किस साल किया गया है। तो देखो जैसे एमपी वालों में भी क्वेश्चन जो है, एमपीपीएससी में भी ऐसे ही आया था, 50 और 52 एमपी वालों के भी ये सेम क्वेश्चन आ चुका है एमपी में, और उन्होंने आंसर जो है अपना 50 ही है उसका, राइट 1950 में आया। फिर कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो 1 जुलाई, 1 जुलाई को या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जो भी मिल जाए आपको उसे आंसर लगा देना है इसका। इसके बाद अपना 50 के बाद जो वन महोत्सव है, उसके बाद आता है 52 का। 52 में दो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट हुए। पहला हुआ देश की पहली या सेकेंड फॉरेस्ट पॉलिसी या फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई। देखो यहाँ पर देश आज़ाद होने के बाद जो पॉलिसी आई उसे बोला जाता है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अगर पॉलिसी के नाम से बोला जाए तो पहली पॉलिसी आई थी अपनी वोल्कर रिपोर्ट पे, तो वो आई थी 1894 में, ये अपनी फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी थी। सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो आई 1952 में, और थर्ड फॉरेस्ट पॉलिसी आई है 1988 में थर्ड, और अभी फोर्थ जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसका ड्राफ्ट आया है 2018 में, फोर्थ का ड्राफ्ट आया, अभी फोर्थ पॉलिसी आई नहीं है। इन तीनों को ही याद रखना होता है आपको। अब यहाँ पर 52 की पॉलिसी जो है वो आई अपनी सेकेंड फॉरेस्ट पॉलिसी, लेकिन कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल टर्म जोड़ देते हैं, अगर नेशनल जोड़ दिया तो ये फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी या फॉरेस्ट पॉलिसी में सेकेंड नंबर की है, और नेशनल टर्म जुड़ जाए तो उसे फर्स्ट बोलते हैं, ये फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है और ये सेकेंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है। उस टाइम पे एक इम्पोर्टेंट एक्ट और हुआ, वह है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का गठन। देखो फॉरेस्ट के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री तो इन्हें बना दिया, लेकिन वाइल्ड लाइफ के लिए अभी ज़्यादा कुछ चीज़ें की नहीं गई, तो वाइल्ड लाइफ के लिए इन्होंने क्या किया कि 52 में, यानी कि बोर्ड का गठन किया गया, बोर्ड किया गया था अपना 1948 में, और उसके 4 साल बाद 52 में यह वाइल्ड लाइफ बोर्ड बनाया गया, एक 15-20 लोगों की एक बॉडी बना दी गई। उसका जो चेयरमैन है उस टाइम पे, जो कंटेम्प्री जो मिनिस्टर हुआ करता था एग्रीकल्चर का, उसे उसका चेयरमैन बना दिया गया, और इस टाइप से ये बोर्ड काम चलता था। तो कई बार पूछा जा गया कि ये जो बोर्ड है वो फर्स्ट टाइम कब बना, फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट, कुछ भी टर्म घुमा फिरा देंगे, बस सीधी सी है, इसका कोई ऐसा प्रपोजल नहीं कि 10 साल से चल रहा हो और एकदम बना हो, सीधा सीधा 52 में बना, खत्म काम। और सेंट्रल लेवल पे था तो ये
अपेक्स बॉडी है जो एडवाइज देती थी, चेयर कौन करता था, फॉरेस्ट मिनिस्टर। अब इसके साथ इशू क्या हुआ, 52 के बाद जब आप आगे चलोगे तो एनिमल क्रुएल्टी का एक्ट आता है 1960 के आसपास। फिर इंदिरा गांधी जी ह्यूमन एनवायरनमेंट की जो कॉन्फ्रेंस होती है 1970 में, उसमें जाती हैं, और जब वहाँ से इंदिरा गांधी जी जब वापस आती है तो यहाँ पर एनवायरनमेंट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये तीन चार एक्ट, एयर एक्ट वगैरह लेके आ जाती है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें। और फॉरेस्ट्री जो अभी तक स्टेट सब्जेक्ट था वो उसे उठा करके सेंट जो कंकरेंट लिस्ट है, हिंदी में क्या बोलेंगे, समवर्ती सूची शायद, उसमें कंकरेंट लिस्ट में डाल देती है। तो इसके बाद बहुत सारी चेंजबिलिटी आ जाती है। तो फिर ये जो है बोर्ड है, इसके बाद में चेंज किए जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे हाल फिलहाल के लिए इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ 52 में बना दिया गया। फॉरेस्ट मिनिस्टर उसका हेड था और प्रधानमंत्री को एडवाइस जनरली देते रहते थे। लेकिन इसका देखो कोई पॉलिटिकल बैकअप है नहीं, ये तो ऐसी है, एक पार्टी है, प्राइवेट पार्टी बुला लो, खाओ पियो, दारू पियो, जो भी खा पी करके निकल लो। इसमें ऐसे कोई स्पेसिफिक इनके जो एडवाइज थे उसमें कोई बहुत वो नहीं है, मिनिस्टर ही था, वो भी एग्रीकल्चर वाला, कभी आता था नहीं आता था। तो ये कोई ने लीगल बैकअप नहीं था कि ये जो बोले उसका कुछ वजन हो। तो ये चलता रहा, बाद में अटल जी जो आते हैं वो इसमें मेजर चेंज करते हैं। वाइल्ड लाइफ के फील्ड में अटल जी का बहुत ज़्यादा रोल है, फॉरेस्ट्री के फील्ड में भी। एक तो सबसे बड़ा रोल इंदिरा गांधी जी का है, और इसके बाद अगर किसी दूसरे पर्सन ने कोई रोल किया है तो फिर वो अटल जी आते हैं। इन्होंने क्या किया, 2002 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट किया, और ये जो बॉडी जो पिछले 50-60 साल से चल रही थी, ऐसी बस पंगू चल रही थी, मतलब है, एग्जिस्ट है, कभी मीटिंग हो रही नहीं हो रही है, कोई इनकी बात मानने को तैयार नहीं है, जो देश की सुप्रीम बॉडी है उसके कोई लीगल बैकअप नहीं है, उसको ये लीगल बैकअप दे देते हैं और उसका नाम चेंज करते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो पहला तो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का नाम चेंज करके कर देते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। फिर इसमें बड़ी सी लंबी टीम बना देते हैं, लगभग 48 लोग हैं, 47-48 लोग हैं, एग्जैक्ट तो किसी को पता नहीं है। कुछ न्यूज़ जो पेपर हैं उनमें 47 का डाटा दे रखा है कि प्रधानमंत्री प्लस 46 अदर होते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितनी भी टॉप बॉडीज हैं वो सभी हैं। फॉरेस्ट मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री इसका चेयरमैन होता है, प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है, और इसे लीगल बैकअप दे दिया। लीगल बैकअप दे दिया मतलब ये क्या हो गई, अब ये अब हो गई स्टेटूटरी, एक संवैधानिक बॉडी हो गई, स्टेटूटरी बॉडी हो गई है ये। तो ये भी पूछा जा चुका है, जो नेशनल बोर्ड है पहले वाले को नहीं था, दूसरे वाला, एक तो स्टेटूटरी हो गई, ये पूछी जा चुकी है, इसका चेयरमैन कौन है, प्रधानमंत्री होता है, और ये कहाँ से बनाई गई है बॉडी, तो ये अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 72 वाला है उससे पावर लेके बनाई गई है। बाद में जब एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये सेक्शन आपको आएगा, सेक्शन याद रखना, यहाँ रख लो या फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट सेपरेट आपके सिलेबस में, तो वहाँ पर भी यही आएगा। और देश में वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो एडवाइस है उसे देने के लिए सबसे अपेक्स बॉडी यही है, क्योंकि फॉरेस्ट्री के लिए तो फॉरेस्ट कमीशन अलग है, वाइल्ड लाइफ के लिए यही सबसे अपेक्स बॉडी है। अब यहाँ पर जो मेंबर है, ये जैसे मेजोरिटी जो है उनमें 47 या 48 ये दिखते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा फिक्स है नहीं, फिक्स कोई आइडिया इसका पता पड़ता नहीं है। तो आपको याद रखना है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ और इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये बना 1952 में और ये बना 2002 में। इस पे एडवाइजरी इन नेचर की है, ये भी पूछा जा चुका है कि भाई ये एडवाइज देता है क्यों, क्योंकि भले ही इसका प्रधानमंत्री इसका चेयरमैन है, फॉरेस्ट मिनिस्टर इसका डेप्यूटी चेयरमैन है, लेकिन जो अपना संविधान है वो पावर जो है वो प्रधानमंत्री के हाथ में ना देके कैबिनेट को सुप्रीम मानता है, पावर जो है वो कैबिनेट के पास है, इसलिए ये एडवाइजरी नेचर की है। जनरली जो एडवाइज होती है वो हो ही जाती है, मानी जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगभग कैबिनेट को ही पूरे एक टाइप से रूल करता है, और वो जनरली कैबिनेट वाले ऐसे कभी करते नहीं कि प्रधानमंत्री ने बोल दिया तो वो नहीं माने, लेकिन तब भी एक एडवाइजरी की है, वो कैबिनेट डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब ये जो बॉडी है ये अकेले तो काम नहीं कर सकती, जो भी 50-56 लोग हैं ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई एक काम करो, राजस्थान में कोई इशू पड़ गया है, बर्ड्स मर रही हैं, तो 20 लोगों को यहाँ पर राजस्थान की बर्ड्स के लिए घुमा दिया, 48 लोग हैं या 47 लोग हैं, 20 लोग राजस्थान भेज दिए, 10 लोग तेलंगाना भेज दिए, वो जैसे वो पुरानी थी मूवी जय वीरू वाली, आधे लोग इधर जाओ आधे लोग इधर जाओ, बकाए के बच्चे मेरे पीछे हो, तो वैसा तो यहाँ चलेगा नहीं। तो ये क्या करते हैं कि छोटी छोटी कमेटी बनाते हैं, इन्हें बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी, और इसका जनरली चेयरमैन जो है वो अपना फॉरेस्ट मिनिस्टर होता है, फॉरेस्ट का
का जो भी है, एमओईएफ का जो है, जैसे अभी अपने जावड़ेकर जी हैं तो वही स्टैंडिंग कमेटी के अभी चेयरमैन रहते हैं, और वही इन छोटी छोटी जो कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी, उनको रूल करते हैं, और उनके थ्रू जो रिपोर्ट वगैरह फिर वो फाइनली इस बॉडी में रखते हैं और पास होती है वो। तो इस टाइप से ये नेशनल बोर्ड अभी काम करता है। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इंडियन बोर्ड के और नेशनल बोर्ड के। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। जैसे कि इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है वो कब बना, 52 में। फर्स्ट कब कंस्टिट्यूटेड किया गया, वो देखो टर्म घुमाएंगे आप, इससे 52 को याद रखो, खत्म काम। आपसे कुछ भी बोल दिया जाएगा कि ये बोर्ड का गठन कब हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब इस बोर्ड का विचार रखा, कुछ भी पूछे अगर बोर्ड आ गया 1952 को, ध्यान रखो खत्म काम। क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा देते हैं, कई बार क्वेश्चन होते हैं यहाँ जो इस टाइप के कॉमन कर दिए गए, उसमें रीजन ये घुमा फिरा के एक ही चीज होती है इनकी, घुमा देंगे क्वेश्चन बस। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कब आया, अब आपको बताया था कि ये बोर्ड जो बना है 2002 में अमेंडमेंट किया गया था, तो ये बोर्ड बन गया 2003 में। 2002 में बोर्ड ये अपना एक्ट अमेंडमेंट हुआ, 2003 में अपना बोर्ड बन गया। इनकी एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी नहीं पता, इनमें 21 सितंबर है या 22 है या 30 है, जो आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं स्टडी मटेरियल में उसमें इसका जो एक्चुअल आंसर है वो दे दिया गया है, तो वहाँ से आप देख के काम कर ले। से नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ किस कौन हेड करता है, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो भाई ये नेशनल बोर्ड है, इसे प्राइम मिनिस्टर करता है, पुराने वाले को फॉरेस्ट मिनिस्टर, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से संबंधित कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सही है। तो पहला सेंटेंस है कि इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वाज सेट अप इन 1952, ये बात सही है। बोर्ड हैज 48 मेंबर, इसे भी केरला वालों ने, ये सॉरी तमिलनाडु वालों ने इसे सही माना कि इसमें 48 मेंबर होते हैं। बोर्ड वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन 1990, ये नहीं है, इसे रिकंस्टिट्यूट किया गया 2003 में। ये जैसे हमने अपने ऊपर ही क्वेश्चन पढ़ लिया था इसका, 2003 में इसको बना गया, 2002 में अमेंडमेंट हुआ था। इट इज़ द हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी फॉर द गवर्नमेंट ऑन द मैटर रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, चौथा अपना सही है। तो फर्स्ट है, सेकंड है, और ये रिकंस्टिट्यूटेड इन 1990 है। थर्ड सेंटेंस है, यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, तो इसमें तो कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो एक बार इसे आप इसी आंसर की से देख लेना, क्योंकि वहाँ पर जो आंसर बनाया गया होगा तो फाइनल को करके ही बनाया गया होगा, उसे वेरीफाई कर दिया गया होगा कि इसमें क्या, क्योंकि इसका गठन जो है 1990 में किया गया है नहीं किया गया है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। हाँ ये है कि ये 2003 में नया बोर्ड बना था यहाँ पर। नेक्स्ट अपना उसके बाद आता है 52 के बोर्ड के बाद 54 का एक इशू आता है। 54 में क्या हुआ कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का अपने यहाँ देहरादून में आयोजन किया गया, ये फोर्थ नंबर की थी जो 54 में देहरादून में आयोजित की गई। ये FAO करवाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन करवाता है, और इसी का जो गठन है 1926 में FAO वगैरह शायद बना था, तो उसी टाइम पे इसकी फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस है वो रोम इटली, FAO जो है वो रोम इटली में है, तो वहाँ पर इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये भी पूछा जा चुका है कि इसकी जो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस है इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, तो वो रोम इटली में हुई थी 1926 में, अपने यहाँ फोर्थ हुई थी देहरादून में 1954 में। दूसरा FAO से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि फॉरेस्ट्री से रिलेटेड बुक निकालता है, मैगजीन निकालता है, जिसका नाम है अन सिल्वा। FAO एक बुक और निकालता है, इसे बोलते हैं वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट्री रिपोर्ट, जैसे अपनी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालती है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट्री रिपोर्ट, यानी कि अपनी फॉरेस्ट रिपोर्ट जो अपने इंडिया में निकालती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वर्ल्ड में वर्ल्ड लेवल पर निकालता है FAO। इस पर यहाँ पर क्वेश्चन भी है, फर्स्ट वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, तो वो 1926 में रोम इटली में की गई। इसके आगे अपना आता है 57, 57 में ये अपना जो हेली था इसका कॉर्बेट कर दिया गया। 1960 में ये जो क्रुअल्टी ऑफ एनिमल है ये एक्ट आया, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। अब आता ये है 1965 का।